नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नेपाल में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 23 लोगों की मौत। नेपाल के पश्चिमी इलाके में छोटे यात्री विमान के बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार दो विदेशी नागरिकों समेत सभी 23 लोगों की मौत हो गई। तारा एयर द्वारा संचालित ट्विन ओटर विमान ने काठमांडू से 125 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पोखरा से जोमसोम जाने के लिए सुबह उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का संपर्क नियंत्रण टावर से टूट गया। मायागदी शहर के पुलिस अधिकारी विश्वराज खड़का ने कहा कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसमें सवार कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। मृतकों में चीन और कुवैत का एक एक नागरिक भी शामिल है। संसद में स्मृति ईरानी की मायावती से तकरार। राज्यसभा में बुधवार को रोहित वेमुला की मौत पर बसपा प्रमुख मायावती की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जमकर बहस हुई। दोपहर में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, मायावती ने रोहित की मौत पर स्मृति ईरानी से जवाब मांगा। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने भी उनका समर्थन किया। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जोर देकर कहा कि चर्चा शुरू करें, मंत्री इसका जवाब देंगी, टुकड़ों में जवाब नहीं दिया जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, अभी चर्चा शुरू कराई जाए। एक बच्चे को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। देखते ही दोनों दिग्गजों में जमकर बहस होने लगी। सरकार भयभीत है, मुझे नहीं बोलने देगी, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार भयभीत है और वह जेएनयू मुद्दे पर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करेगी। वे इस बात से डरे हुए हैं कि मैं संसद में क्या कहूंगा, इसलिए वे मुझे बोलने नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी जेएनयू छात्रों के समर्थन में आए थे, जो जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है और इसके बारे में सदन से बाहर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 फरवरी तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पुलिस को किसी आरोपी को 15 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लेने का वैधानिक अधिकार है और नए घटनाक्रम की वजह से कन्हैया की हिरासत में रिमांड जरूरी है। मेहता ने कहा कि हम कन्हैया कुमार को रिमांड पर लेने की मांग करेंगे ताकि उसका सामना उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य से कराते हुए पूछताछ की जा सके। सोनिया गांधी बताएं, जेएनयू में लगे नारे अव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह, अमित शाह ने कहा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के बहराइच में कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि सोनिया गांधी बताएं कि जेएनयू में लगे नारे अव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह। राजा सुहेल देव की मूर्ति का अनावरण करने के बाद शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी अपना रुख साफ करने की मांग की और कहा कि गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह ऐसे नारों का समर्थन करते हैं या नहीं। यदि नारों से सहमत नहीं है तो उसकी निंदा करें, वोट बैंक के लिए ऐसे नारे लगाने वालों का समर्थन नहीं करें। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।